हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है ये पेंसिल कैक्टस का पौधा। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है ये कैक्टस वैरायटी का पौधा है और ये बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। और फ्रेंड्स, इस पौधे की खास बात ये है कि ये जो पौधा है हर किसी को अपने गार्डन में इसको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है एक तो ये गर्मी सर्दी बरसात सबको झेल लेता है और ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी छोटी सी भी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से 50 से 60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको आप ज़रूर लगाएं। ये जो प्लांट है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि ये प्लांट जो है मच्छर मारने वाली जो दवाइयां हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्लांट को आप अगर अपने बगीचे में गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आप इसको एक ऐसी जगह पे रखिए जहां बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा ये दूर रहे, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको आप तोड़ोगे तो इसके अंदर से जो वाइट कलर का ये दूध जैसा एक सफ़ेद रंग का जो ये पदार्थ निकलता है ये जहरीला होता है। तो इसकी अगर आप कटिंग भी फेंकते हैं तो इसको ऐसी जगह पर फेंकिए कि वो कटिंग किसी जानवर या बच्चों के हाथ में ना लगे। तो अब बात मैं कर रही थी कि ये गार्डन में होना क्यों ज़रूरी है। ये प्लांट जो है मच्छरों को भगाने वाला प्लांट है। आप इस प्लांट को जहाँ पर भी रखोगे वहाँ पर मच्छर नहीं आएंगे, तो ये प्लांट जो है आप अपने बगीचे में ज़रूर शामिल करें। तो आप फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी ये छोटी सी कटिंग आप तोड़ लीजिए इस तरीके से, बहुत ही केयरफुल होकर तोड़िएगा, क्योंकि इसकी कटिंग भी लगाने के टाइम सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये छोटी सी कटिंग तोड़ ली है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, ये मैंने एक छोटे से गमले के अंदर बहुत ही सिंपल मिट्टी तैयार की है, जिसमें सिर्फ गार्डन सोयल और थोड़ा सा इसके अंदर बालू है, और मैंने इसके अलावा इसके अंदर कोई खाद नहीं डाली है और कुछ नहीं डाला है, इसके गमले की मिट्टी तैयार की है। और इसको आपको ले लेना है और इस तरीके से इसको लगा देना है मिट्टी में अच्छी तरीके से। और इसको लगाने के बाद आप इसको 2-3 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रख दीजिए। ये बहुत ही जल्दी ग्रो जाता है, बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। आपके बालकनी गार्डन में, टेरिस गार्डन में इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।